इस वक्त हमारे साथ खूंटी के रनिया के रहने वाले कृष्णा यादव हैं। कृष्णा ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है, यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा में इन्होंने सफलता हासिल की है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की परीक्षा में। कृष्णा, पहले तो बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कितना रैंक आया आपका? 232 सर। अच्छा, तो कैसे पढ़ाई किए? खूंटी के रनिया बहुत सुदूर इलाका, नक्सल प्रभावित इलाका, एक समय का बहुत घोर नक्सल प्रभावित इलाका, वहाँ से निकल कर आप जा रहे हैं डिफेंस में। यस सर, यहाँ रांची हम 2014 में ही आए थे, जब 10th हम SDA खूंटी से कंप्लीट किए, उसके बाद रांची में आए, यहीं से मेरा इंटर हुआ, फिर ग्रेजुएशन यहीं से हुआ, फिर 2019 में ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद 2019 में BHM पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गए, फिर 2021 वहाँ ख़त्म हुआ, तो उसके बाद कोविड आ गया था, तो घर में थे फिर कोविड में, फिर ऐसे रांची में ही ज़्यादा रहे हैं। अच्छा, रांची में ही रहकर तैयारी की। इस परीक्षा की तैयारी में कब से जुटे, या और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, या फोकस था कि इसी को निकालना है? सर, इस परीक्षा की तैयारी जब से ग्रेजुएशन में थे उसी समय से कहीं ना कहीं मतलब GS से पढ़ना शुरू कर दिए थे। कब किए ग्रेजुएशन आप? सर 2016 से 19 बैच था मेरा। अच्छा। संजेवियर कॉलेज रांची से। अच्छा, आप जेवियर के स्टूडेंट? यस सर। क्या स्ट्रीम था आपका? सर मेरा ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी, हाँ। सर उसी समय से शुरू कर दिए थे, फिर जैसे और एग्जाम जैसे बोले आप तो CDS देते थे, आप कैट देते थे, फिर JPSC भी दिए, फिर UPSC सिविल सर्विस भी दिए थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। अच्छा, UPSC भी दिए थे, कहाँ तक पहुँच पाए थे? सर अभी प्रीलिम्स से नहीं क्लियर हुआ। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं सर, ये हम इसमें 2019 से बैठ रहे हैं, तो 2023 में फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरा। 2022 में 10 मार्क्स से रुक गया था, तो इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ। शुरुआत में मैंने कहा कि खूंटी एक वक्त ऐसा था कि देश का सबसे अधिक नक्सल प्रभावित इलाका था, अब वहाँ का लड़का सुदूर इलाके रनिया का निकल के अब पुलिस का ऑफिसर बनेगा, कमांडेंट बनेगा। हाँ सर, सही बात बोल रहे हैं आप। हाँ। नक्सल प्रभावित इलाका है खूंटी। हाँ। और पहले जैसे हम लोग, मेरे घर के जैसे पेरेंट्स हैं तो पढ़ाई में पहले से ही ध्यान दिए, मतलब LKG से जैसे हम देखे तो हम लोग बस से आना जाना किए मेरे भाई से, तो हम लोग वहाँ से मर्चा आना जाना करते थे पब्लिक बस से, तो रोड भी बहुत पतले थे, बस बहुत कम चलते थे, बहुत भीड़ बस में हम लोग आ जा के पढ़े, तो वहाँ से एक मोटिवेशन यही था सर कि जब कभी भी लगता था नहीं हो पाएगा तो वही याद आता था बस में कैसे भीड़ में, मतलब लगता था मतलब जान भी निकल जाए, बहुत भीड़ रहता था कभी कभार, तो मोटिवेशन वही था कि उतना दूर से आए हैं और उस चीज़ वहाँ उस चीज़ को झेल के आए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं करना है, हो जाएगा। इसे हमको 2019 में ही लग गया था जब इस एग्ज़ाम बैठे थे, तो वहाँ उस समय प्रिपरेशन वैसे नहीं था, जैसे इंग्लिश ग्रामर सब कुछ कुछ पार्ट्स छूटा हुआ था, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन हमको लग गया था उसी समय कि क्लियर हो जाएगा ये एग्ज़ाम। घर परिवार में कौन कौन लोग हैं कृष्णा जी? घर परिवार हम लोग 4 भाई हैं, फिर मम्मी पापा हैं, और मम्मी पापा दोनों पारा टीचर हैं। अच्छा, पिताजी और माँ दोनों पारा टीचर हैं? हाँ, दोनों पारा टीचर हैं, एक ही स्कूल में। अच्छा, ये तो और बड़ी उपलब्धि हो गई कि पिताजी पारा टीचर हैं और आप अब ऑफिसर बनने जा रहे हैं। हाँ हाँ सर, वो भी है, और इसीलिए पढ़ाई में कहीं ना कहीं पिता मतलब पेरेंट्स हम लोग को पहले से मतलब रुझान देखते। बहुत दिक्कत हुआ होगा, संघर्ष भी करना पड़ा होगा पिताजी को? तो संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, मतलब पिताजी हमेशा बोलते थे मतलब सबके पैसे ऐसा रख रहे होंगे, लेकिन हम रखने नहीं सक रहे हैं, सब चीज़ पढ़ाई में ही कर रहे हैं, तो लगता था मतलब करना तो है और विश्वास था हो जाएगा सर। खुश हैं पूरा? हाँ खुश तो हैं सर। तो इसके आगे और अभी किसी परीक्षा में अपीयर होंगे, आप कोशिश करेंगे कि UPSC सिविल सर्विसेज की परीक्षा में अपीयर हों, या फिर झारखंड में जो JPSC वगैरह की परीक्षा होती है? सर JPSC में जिस 7-10 JPSC हुआ था तो उसमें हम मेंस से दिए थे, 3 मार्क्स से छूट गया था, अबर भी मेंस दिए हैं, देखते फिर से मेंस दिए हैं। यस सर, अबर लग रहा हो जाएगा, देखिए आप। अच्छा, इस बार हो जाएगा? नहीं तो हो जाएगा तो आप आ जाएंगे वापस? देखते हैं सर, आप जिसका पहले ज्वाइनिंग आएगा उसी करें, या रैंक अच्छा हो उस हिसाब से। हाँ सर, उसके हिसाब से देखते हैं। तो मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट हैं दर्शक, कैसे इस परीक्षा की तैयारी करें, कब से तैयारी करें, कितना घंटा पढ़ें, कौन कौन सा बुक पढ़ें? सर इस परीक्षा का तैयारी करने के लिए घंटा के हिसाब से तो हम ही नहीं मारते थे इसको, जैसे अपना मन किया तो पढ़े, और जैसे सोर्सेज का बात करें तो जैसे NCERT बेसिक सोर्स होता है तो उसको पढ़ना चाहिए, जैसे मेन जो सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, फिर साइंस है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर इन्वायरमेंट से भी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, तो इस सब के लिए NCERT ही फॉलो करें, जो बेसिक बुक है उसको पढ़ के थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें, फिर YouTube से भी बहुत सारा हेल्प मिल जाता है, फिर उसके बाद सर जो करंट अफेयर्स के लिए सब डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। जरूरी है। यस सर। तो आप यही सब ज़्यादातर पढ़ते हैं, किसी कोचिंग से जुड़े थे? सर कोचिंग से इसे तो नहीं जुड़े थे, लेकिन मॉक इंटरव्यू के लिए कैटलिस्ट IAS विशाल सर बहुत हेल्प किए। हाँ।
जैसे गाइड किए आपको विशाल सर कैटलिस्ट वाले? बहुत गाइड किए सर, जैसे पहला मेरा जो मॉक इंटरव्यू हुआ था तो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं गया था, तो सर सब गाइड किए अच्छा से, फिर लास्ट दो इंटरव्यू अच्छा गया था, तो मोटिवेट किए अच्छा से। तो बिल्कुल देखिए, ये खूंटी के रनिया के रहने वाले हैं कृष्णा जी, जो यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल किए हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की परीक्षा में ये सफलता हासिल किए हैं, कमांडेंट ये बनेंगे उसी खूंटी से जो कभी देश का सबसे अधिक नक्सल प्रभावित इलाका था। तो आप अगर कुछ ठान लें और पढ़ाई जारी रखें तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। और समझिए कि कृष्णा के माता पिता दोनों पारा टीचर हैं, और पारा टीचर रहते हुए ही आज उन्होंने अपने बच्चे को कमांडेंट बना दिया, ऑफिसर बना दिया है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। द फॉलोअप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।